लेकिन तुम प्लीज रोया मत करो, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें जिशान, वो लोग इस घर में आके खाला की नजर में अच्छे बन गए हैं और आप इन्हें घर से निकाल कर खाला की नजरों में बुरा बनना चाहते हैं। जहां ये जाएंगे खानदान वालों को ये बताएंगे कि हमने इनको घर से निकाल दिया। मेरे घर वाले पहले ही मुझे इन बातों की वजह से इन सब चीजों का जिम्मेदार समझते हैं। किसी ने तो मेरे खिलाफ बातें की है ना, वो मेरी किसी बात पे यकीन नहीं करते। हो सकता है इन लोगों ने भड़काया हो उनको, और अगर इस दफा ये लोग चले गए ना तो पूरा खानदान मुझे बातें करेगा। सब लोग यही कहेंगे कि मैंने आपको गुस्सा दिलाया, आपको चढ़ाया। शाज़मा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि सच क्या है। फिर तुम्हें किसी की बातों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मोहब्बत के भरोसे के सहारे तो मैं जिंदा हूं, वरना अपनी जात पे बेबुनियाद इल्जाम सुन के मैं कब की मर चुकी होती। अच्छा बाबा, अब तुम जैसा कहोगी ना वैसा ही हो, लेकिन तुम प्लीज रोया मत करो, तुम जानती हो ना मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते।